మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దోస్తో, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है. आज के वीडियो में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो रेसिस्टेंस से हर प्रकार से रिलेटेड है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये छोटे से लगाए बड़े लेवल तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और जानिए. आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, तभी ना हमको मालूम चलेगा कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं. तो हमारा साथ दीजिए आप लोग. और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है, 210 किलो ओम 5 वाट रेसिस्टर्स इन पैरेलल हैव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम एंड पावर रेटिंग ऑफ. देखिए, ये कहा जा रहा है, ये बता रहा है कि दो रेसिस्टर हैं. अब दोनों रेसिस्टर कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलली कनेक्ट हैं. यहाँ पे दो रेसिस्टर कैसे कनेक्ट हैं? देखिए, पैरेलल क्या है, कनेक्ट हैं. तो इनका जो ये रेसिस्टेंस है 10 किलो ओम और ये कितना है 5 किलो ओम, इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है 10 किलो ओम 5 वाट. टू रेसिस्ट दोनों 10 किलो ओम के हैं. दोनों कितने हैं 10 के हैं. ठीक है, और ये 5 वाट, इसकी भी रेटिंग 5 वाट है, इसकी भी रेटिंग 5 वाट है. ध्यान से देखिए, कह रहा है 10 किलो ओम 5 वाट, टू 10 किलो ओम 5 वाट रेसिस्टर्स इन पैरेलल हैव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम एंड पावर रेटिंग ऑफ. ये कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे दो इक्वल रेसिस्टेंस हैं, मतलब सेम रेटिंग के, 10 किलो ओम 5 वाट, 10 किलो ओम 5 वाट. कहा जा रहा है, ये बता रहा है कि यदि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5 किलो ओम है तो पावर रेटिंग क्या होगा. भाई जाहिर सी बात है, दोनों 10 हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इनका आधा हो जाएगा 5 किलो ओम. अगर नहीं भी दिया रहता तब आप इसको सॉल्व कर लेते बाय सर्किट के अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ पे 5 वाट के दो क्या हैं, पावर रेटिंग भी दिया गया है रेसिस्टर्स का और इनका इक्विवेलेंट पावर रेटिंग पूछा जा रहा है. तो कभी भी आप ये गलती मत करिएगा कि पैरेलल में कनेक्ट हैं तो जोड़ दें 5 5 10 वाट. ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि आप तभी जोड़ सकते हैं जब इसका वोल्टेज रेटिंग, इसका वोल्टेज रेटिंग, फिर इनपुट का वोल्टेज रेटिंग तीनों सेम होगा, तभी आप यह काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा नहीं दिया है तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब मैं पैरेलल कनेक्टर रेसिस्टर्स को जब मैं समझाया था तो उसमें बताया था कि सीरीज हो या पैरेलल, दोनों में पावर एडिटिव इन नेचर होता है, दोनों में पावर एडिटिव होता है, जोड़ा जाता है. कैसे, ये देखिए, आप जैसे आप पैरेलली टोटल पावर क्या यही ना पढ़े थे आप, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है. तो सब में वी स्क्वायर का आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर अपन आर टी, वी स्क्वायर अपन आर वन प्लस वी स्क्वायर अपन आर टू. इसमें देखिए टोटल है, तो यानी कि पी टी टोटल पावर, ये पी वन प्लस पी टू. ये पैरेलल में भी ऐसा ही होता है और सीरीज में भी ऐसे ही होता है. ठीक है, उसको भी मैं प्रूव कर दूंगा. तो इसमें जो पावर होगा आपका इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 × 10 / 10 + 10 यानी कि 100 / 20 कितना होगा 5 किलो ओम दिया ही है. ये आपका इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, एडिटिव इन नेचर, दोनों को जोड़ देंगे 10 वाट तो क्या होगा 10 वाट इसकी रेटिंग, यानी कि आपका ये 10 वाट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा. अगर इस तरह से पैरेलल कनेक्ट हैं दो रेसिस्टर तो हमेशा, चाहे पैरेलल कनेक्ट हो चाहे सीरीज, उनका अगर पावर रेटिंग मालूम है तो दोनों को ऐड करेंगे तभी हमको टोटल इक्विवेलेंट फाइंड आउट होगा. ठीक है, इस तरह का कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को भी आपके सामने दे रहा हूँ. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलो ओम 1/2 वाट रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस वैल्यू एंड वाटेज विल बी. यहाँ ये कह रहा है कि दो रेसिस्टर हैं,
देखिए दो रेसिस्टर हैं ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है ना, दोनों का रेटिंग सेम है 1 किलो ओम। अब फिर कितना है 1/2 वाट, फिर 1 किलो ओम, फिर क्या है 1/2 वाट, ठीक है। अब इनका टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल वाट रेटिंग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए सीरीज में, इसलिए रेसिस्टेंस जोड़ जाएगा 2 किलो ओम हो जाएगा। और पावर सीरीज में भी एडिटिव इन नेचर होते हैं, कैसे वो कैसे प्रूफ होगा देख लीजिए। और टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में ही होता है, और सीरीज में करंट जो है सेम होता है, सारम करंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट स्क्वायर का, तभी तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा P1 + P2 + P3। इसमें भी पावर एडिटिव इन नेचर होता है, तो आप दोनों को जोड़ 2 किलो में रेसिस्टेंस का मान हो गया, और 1/2 1/2 यानी कि 1 वाट आपका कितना हो गया पावर रेटिंग का मान हो गया, तो 2 किलो ओम 1 वाट, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइपिकल रेसिस्टेंस एंड पावर डिसिपेशन वैल्यूज ऑफ कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर। मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियोज में कि जो कार्बन रेसिस्टर की रेटिंग होती है पावर रेटिंग, वो 2 वाट तक होती है। कितनी वाट तक होती है? मैक्सिमम 2 वाट तक होती है। अगर हम वायर वाउंड का पावर रेटिंग की बात करें, वायर वाउंड को हम वेरिएबल रेसिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेसिस्टर, मतलब जैसे रियास्टेट जिसको आप कहते हैं। वायर वाउंड रेसिस्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो पावर रेटिंग होता है यह 25 वाट से 50 वाट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन का पावर रेटिंग क्या होती है? लो होती है, और रेसिस्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है कार्बन कंपोजिशन का, ठीक है ना। तो जो आपका पावर रेटिंग लो होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा देखिए यहाँ पे, और पावर रेटिंग क्या होगी? लो होगी, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन बी ये क्या होगा सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ कार्बन कंपोजिशन न कह के अगर यहाँ वायर वाउंड कहता तब कौन सा ऑप्शन सही होता? तब मैक्सिमम वाट वाला, तब यहाँ 100 वाट दिया ही ना जाता, ये 50 वाट वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको सोचा बता दूं, ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रूम हीटर ऑफ 750 वाट। एक जो है रूम हीटर है कितना कि कितने वाट का? 750 वाट का। एक रूम हीटर है 750 वाट के, इसके सीरीज में पहले जो है लैंप था कितने वाट का? 100 वाट का। लेकिन अब जो है आपका हीटर ऐसे के ऐसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो लैंप था वो 100 वाट के जगह पर कितना कर दिया गया है? 60 वाट कर दिया गया। तो अब पूछा जा रहा है कि हीटर की आउटपुट क्या होगा। देखिए मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज़न में आ करके यही कर देंगे कि जब यहाँ हाई ज़्यादा वाट का फिलामेंट लैंप था, और जब यहाँ पे 60 वाट का लैंप आ गया तो इसका मतलब कि अब तो पावर कम ड्रॉप होगा इसमें, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। पहले 100 वाट था, अब 60 वाट हो गया, तो इससे जब वाटेज कम हो गया तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर कोई सोचता है तो पूर्णतया कम्प्लीटली गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 वाट यहाँ है और 60 वाट का फिल्म लैंप आप यहाँ लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब वाटेज कम होगा तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/r पढ़े थे, तो अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो जब ये वाटेज आपका क्या होगा कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लॉस आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आई स्क्वायर लॉस बढ़ जाने से आउटपुट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इसमें आपका आउटपुट क्या हो जाएगा डिक्रीज कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 60 वाट का होता यहाँ 100 वाट बढ़ाते तब रेसिस्टेंस कम हो जाता, और उस कंडीशन में आउटपुट पावर इंक्रीज हो जाता,
ठीक है ना, बात हमारी समझ में आई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पावर होता है वो रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जब हम कम वाट का फिलामेंट लैंप सीरीज में ऐड करेंगे तो होगा क्या, ड्यू टू लो वाट इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होने के कारण इसमें पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पावर लॉस इसी में हो जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगा, कम होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो फिलामेंट लैंप हैं, ठीक है, 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। देखिए यहाँ 200 वोल्ट 200 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट। अब यहाँ आप किसी तरह का कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ यहाँ और यहाँ, मतलब ये दोनों तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। आप सीरीज और पैरेलल के लिए आप फार्मूला, पावर कंजम्पशन का फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब तीनों सप्लाई और इन दोनों का रेटिंग सारा वोल्टेज क्या हो, इक्वल हो, तभी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो दो लैंप दिए गए हैं, पहले इन दोनों लैंप का रेसिस्टेंस काउंट करेंगे, R1 का चाहे R2 का, दोनों का रेटिंग सेम है तो रेसिस्टेंस भी बराबर आएगा। कितना भी स्क्वायर अपन पी, तो भी कितना है 200 into 200 अपन पी कितना है 100, तो यहाँ कटेंगे दोनों तो कितना हो जाएगा 400 ओम। कितना होगा आपका रेसिस्टेंस, कितना होगा 400 ओम होगा। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 400 ओम, यानी कि ये भी 400 ओम होगा और ये भी आपका 400 ओम होगा, दोनों 400 ओम होंगे। अब इस सर्किट में तब आप देखिए कितना करंट फ्लो होगा, ये निकाल लीजिए। जब करंट फ्लो आप निकाल लेंगे तो पावर लॉस आप प्रत्येक का निकाल लेंगे आसानी से, क्यों, जब करंट हमें मालूम होगा तो करंट का स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पावर लॉस मिल जाएगा, और फिर करंट के स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर लॉस मिल जाएगा। इसीलिए जब ये डिफरेंट दिया हो तब टोटल पावर कंजम्पशन पूछे, तो यही तरीका है टोटल पावर कंजम्पशन सर्किट का निकालने का। ठीक है ना, अगर डिफरेंट हो गया तो, अगर डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है वोल्टेज रेटिंग तीनों का, तो डायरेक्ट किस में, सीरीज में, तो पैरेलल उसमें रूल लगा दीजिए, वन अपन पी वन, पी वन पी टू अपन पी वन प्लस पी टू का आसानी से निकल जाएगा। पैरेलल में होते तो सीधे पी वन प्लस पी टू कर देते, वो उस कंडीशन में जब वोल्टेज रेटिंग सेम होती। लेकिन डिफरेंट होने के कारण पूरे सर्किट में करेंट निकालेंगे बकायदे, और उसके बाद तब आप यहाँ लिखेंगे क्या, पावर कंज्यूम्ड पर लैम्प। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, पावर कंजम्पशन आप ईच लैंप, तो आप लिख सकते हैं क्या, पावर कंजम्पशन। पहले आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आई बराबर क्या होता है भी अपन आर, तो भी कितना है 100, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है 800 ओम, दोनों को काटिए कितना आया 1/8 एम्पियर, ये करंट हो गया। तो अब यहाँ पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन ऑफ ईच लैंप क्या होगा, आई स्क्वायर आर, आई का मान कितना है 1/8 का स्क्वायर अपन आर, आर कितना है 400, निकाल लीजिए 1.64 × 400, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 100/16 कहिए चाहे 25/8 कहिए, कितना कहिए 50/8 या 25/4, दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 25/4 वाट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 25/4 सही होगा, यानी कि 100/16 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के जब ये वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट अगर हो जाए तो दोनों का रेसिस्टेंस काउंट करते हैं, फिर ना टोटल सर्किट का करंट, उसके बाद फिर इनका पावर कंजम्पशन ज्ञात करते हैं। अगर टोटल पावर कंजम्पशन पूछता तो इसी को हम डबल कर देते, इसका पावर कंजम्पशन प्लस इसका पावर कंजम्पशन, टोटल पावर कंजम्पशन आपको मिल जाता। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 200 वोल्ट ये भी है, 200 वोल्ट ये भी है, अगर संयोग से ये भी 200 वोल्ट हो गया, ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए, तब तो आप इसमें सीधे फार्मूला लगा देंगे टोटल पावर कंजम्पशन का। क्या लगा देंगे, कौन सा फार्मूला, वही पी वन पी टू वाला, यानी कि 100 × 100 / 100 का जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए पचास वाट का यही क्या हो जाएगा आंसर। ये तब होता जब ये भी आपका रेटिंग सेम होता, तब जा करके ये फार्मूला लगता, तब ये पावर कंजम्पशन इतना मिलता। ठीक
ठीक है, चूँकि यहाँ पे आपका 100 वोल्ट दिया है इसलिए आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा और आंसर आपको यूज करना टिक करना होगा, ठीक है ना। तो हमको आशा है कि आपको अच्छे तरीके समझ में ज़रूर आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन पर आप विचार करिए, ए पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। कह रहा है एक सिल्वर वायर का टुकड़ा है जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम है। फिर कह रहा है आगे, ए मैगनीन वायर हैज ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज 30 times दैट ऑफ सिल्वर। द रेसिस्टेंस ऑफ ए मैगनीन वायर ऑफ 1/4 and 1/3 डायमीटर विल बी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, यहाँ पे द रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ पे द लेंथ ऑफ होना चाहिए, द लेंथ ऑफ ए मैगनीन वायर ऑफ 1/4 and 1/3 डायमीटर विल बी। ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए एक सिल्वर का ये एक वायर है, किसका है, ये सिल्वर का है, और एक वायर है वो किसका है, ये मैगनीन का है, किसका है, मैगनीन का। मान लीजिए सिल्वर की रेसिस्टिविटी क्या है, रो है, मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, एल है, और ये भी मान लीजिए कि इसका जो डाया है ये एल क्या है, लेंथ है, लेंथ है, ये क्या है आपकी रेसिस्टिविटी रो, रेसिस्टिविटी है रो, ठीक है ना। यहाँ पे फिर डाया आप मान लीजिए, डाया इसका कितना है, डी है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैगनीन वायर है इसकी जो रेसिस्टिविटी है, मैगनीन की जो रेसिस्टिविटी है ये किसकी है, सिल्वर की है, सब ये सब सिल्वर की है, ठीक है। मैगनीन की जो रेसिस्टिविटी है वो सिल्वर की रेसिस्टिविटी की 30 times है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, मतलब इसका जो रेसिस्टेंस है वो तो दे ही दिया है 1 ओम, ठीक है। अब फिर ए मैगनीन वायर हैज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस 30 times दैट ऑफ सिल्वर, मतलब ये जो मैगनीन वायर है इसकी जो रेसिस्टिविटी है वह सिल्वर की कितनी है, 30 times है। अब फिर कह रहा है यहाँ पे, फिर मैगनीन वायर का जो लेंथ है वो सिल्वर का 1/4 है, और जो डायमीटर है मैगनीन वायर का वो सिल्वर का 1/3 है, मतलब इसका जो आपका लेंथ है मैगनीन का वो सिल्वर के लेंथ का कितना है, सिल्वर के लेंथ का 1/4 है, और इसका जो डाया है वो क्या है, सिल्वर के डाया का 1/3 है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है, अब इस मैगनीन वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, आपको यही निकालना है, मैगनीन वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। प्रश्न को समझ गए आप लोग, ये सिल्वर का सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और मैगनीन की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब ये बता रहा है कि सिल्वर का लेंथ इसके लेंथ का 1/3 है, 1/4 है, से मैगनीन का डाया इसके डाया का 1/3 है, इसकी रेसिस्टिविटी इसके रेसिस्टिविटी के 30 times है, अगर इसका रेसिस्टेंस 1 ओम है इस मैगनीन वायर के रेसिस्टेंस कितना ओम होगा, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मैगनीन वायर। आप जो है मैगनीन वायर का रेसिस्टेंस क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आर एस बराबर रो एस एल एस अपन यहाँ पे ए मतलब पाई डी स्क्वायर अपन 4, तो 4 हो जाएगा ऊपर पाई डी एस स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई एरिया मैंने बताया था, एरिया और क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर के जहाँ पे डी बाई 2 पुट कर दीजिए डायमीटर के रेंज में, तो क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपन 4, तो वही पाई डी स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, तो जहाँ बाकी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, दिया कितना है 1 ओम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हैज बीन गिवन दिस टर्म। अब हमें से पूछ क्या रहा है, आर एम ये कितना होगा, डायमीटर के रिलेशन में लिखेंगे रो एम, फिर क्या है एल एम अपन 4 ऊपर चला जाएगा पाई डी एम स्क्वायर,
ठीक है, सब मेगानिन के डाटा हैं। अब हम सब पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आपका रो एम है वो कितना है, 30 PS, 30 रो S, यहाँ 30 रो S। जो एल एम है वो कितना है, 1/4 LS, ठीक है। और जो पाई तो फिक्स ही है, जो डी एम है वो कितना है, 1/3 DS, ठीक है। अब सारी चीज़ें ये ऊपर जाएगा तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये जो 4 है इसमें कहीं कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा इससे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा। और यहाँ 3 में जब दो बार दो टाइम्स करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या जाएगा, 9 चला जाएगा क्या ऊपर। इस 4 को हम इसके साथ ही एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 rho S L S/π dS² हो जाएगा, देख लीजिए। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 15/2 × 9। ये टोटल इसके बराबर क्या दिया गया है, टोटल इसके बराबर क्या दिया गया है, 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 15/9 क्या हो जाएगा, 135/2। तो 135/2 काट दीजिए, 26 × 20 = 7 × 2 = 5, ये हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो गया ये। देखिए मैंने किया क्या था, इस 4 को मैंने रोक दिया था, इस 4 को मैंने क्या किया था, रोक दिया था, क्योंकि ये 4 और ये 4 मिल रहा है, हमें वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी। इस 4 को हम इसके साथ ला दिए, 30/4 हो गया इसको, और यह 9 है नीचे रहेगा ना, यही 9 हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। अब फिर जो वैल्यू दिया गया था उसको पुट किया था, हमको टोटल जो मेगानिन का रेसिस्टेंस फाइंड हो गया 37.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 37.5 ओम ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम कॉम्प्लीसिटी पर पहुँचते हैं, ठीक है। इससे बाद हम इससे थोड़ा सा और टफ सवाल देखेंगे आप, तो इसको देखिए। हाँ बच्चों, अपने जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप इतने क्वेश्चन का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दूंगा तो होगा क्या, आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, इसलिए मैं जितना बता दिया हूँ उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, फिर से अपने मन से उसको सॉल्व करिए, तब जा करके वो आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड लेवल का क्वेश्चन मैं आगे जो है बताऊंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं देख रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मजबूरन में हमको भी इंटरेस्ट, तब हम भी नहीं ले पाएंगे, तब जो है हमको मजबूरन में वीडियो बंद करना पड़ेगा। इसलिए आप हमारा हेल्प करें, हम आपका हेल्प करेंगे। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ओके, धन्यवाद।